हेलो, आप लोग कैसे हैं? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, इसका पार्ट नंबर 7। देखिए, आज का जो लेक्चर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में। ओके, रेमेडीज का मतलब होता है उपचार। अब ये उपचार किस चीज का? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक प्रोसेस होता है, अगर आप किसी भी मामले में जाएंगे ना तो पहले आपको जिला न्यायालय जाना पड़ेगा, फिर आपको हाई कोर्ट में रेफर किया जाता है, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, वहां आप जा सकते हैं। ओके, तो इस बारे में आपको बताऊंगा। साथ में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो किस तरह से रिट जारी करती है, यहाँ से आप लोग देखेंगे। देखिए, हर बार क्वेश्चन एक ना एक आपको देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर का अगर आप पीटी उठा करके देखेंगे, 2020 में जो पीटी हुआ था, ये तब भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा रेट कब जारी किया जाता है और किस तरह से जारी किया जाता है और किस लिए कौन सा रेट जारी किया जाता है। ओके, तो बहुत ही विस्तृत मैं आपको बताऊंगा। साथ में एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें 2000 में आप देखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन हुआ था, इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये संबंधित है कहीं ना कहीं जो ह्यूमन राइट्स हैं, मानव अधिकार हैं, उनके संरक्षण से। ओके, तो ह्यूमन राइट कमीशन है, इसका काम ही होता है मानव अधिकारों का संरक्षण करना एक तरह से। चलिए हम लोग आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का लेक्चर है इसमें क्या क्या दिया रखा है। ओके, देखिए, आज का लेक्चर है, आज हम लोग बात करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसको हिंदी में कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ओके, इनका अगर उल्लंघन होता है तो आप लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन कौन से आर्टिकल के तहत जा सकते हैं, कौन से आर्टिकल के तहत जा सकते हैं? तो आर्टिकल, ध्यान से देखिए, ये आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 32 के तहत। आप लोग आर्टिकल 32 है इसको अच्छे से समझिए। आर्टिकल 32 के तहत अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आपको जो न्याय है वो मिलेगा। ओके, जो आपका जो भी आपकी समस्या है उसका सोल्यूशन होगा और सुप्रीम कोर्ट सरकार को या तो निर्देश देगी या फिर रिट जारी करके आदेश देगी। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं कि ये संवैधानिक उपचार क्या है। तो संवैधानिक उपचार एक साधन है, इसके द्वारा हर व्यक्ति, मतलब इस इंडिया में रहने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक, हर एक सिटीजन को अधिकार है, राइट्स है, कि अगर उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है, अगर देखिए सुप्रीम कोर्ट है उसके लिए आर्टिकल 32 के तहत अधिकार है रिट जारी करने का, लेकिन हाई कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत अधिकार नहीं है। ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, आप लोग क्वेश्चन इसीलिए गलत कर देते हैं। ओके, हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत अधिकार है कि वो रिट जारी कर सकता है अगर किसी के अधिकारों का उल्लंघन हो। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि रिट जारी करने के मामले में, यानी कि रिट के मामले में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की किसकी शक्तियां ज्यादा है, किसका क्षेत्राधिकार ज्यादा है? तो आप सिंपली बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो सबसे बड़ा न्यायालय है, उसकी अधिकार क्षेत्र ज्यादा है। ओके, लेकिन रिट के मामले में यहाँ पर उल्टा है, इसीलिए मैंने आपको अच्छे समझाया। रिट के मामले में जो हाई कोर्ट है इसका क्षेत्राधिकार ज्यादा है, यहाँ पर रिवर्स सिस्टम है, हाई कोर्ट यहाँ पर ज्यादा पावर रखता है रिट के मामले में। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य है कि उसे रिट जारी ही जारी करना पड़ता है। ओके, अगर आप हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट को ज्यादा स्वतंत्रता दी गई है, वो देखिए रिट जारी भी कर सकता है और मना भी कर सकता है, या फिर एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी दे सकता है। तो यहाँ पर ज्यादा कौन स्वतंत्र है, हाई कोर्ट। इसी तरह आप और मामलों में देखेंगे कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स है ना, इसी के मामले में रिट जारी कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के अलावा अदर राइट्स का अगर आपका उल्लंघन होता है तो उस केस में भी वो रिट जारी कर सकता है। इसीलिए हाई कोर्ट के जो क्षेत्राधिकार है वो बड़ा है। मैं आपको इसको बहुत ही विस्तार से बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया गया, हाई कोर्ट को शक्ति ज्यादा क्यों दी गई है रिट के मामले में, ये भी मैं आपको बताऊंगा जब एम लक्ष्मीकांत आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, कल से आपको एम लक्ष्मीकांत वाले लेक्चर मिलेंगे, अभी तक मैं आपका बेस बना रहा था। आप लोगों ने देखा कि मैं आपका एक एक ऐसा बेस बना देता हूँ कि आप लोग कभी जिंदगी में नहीं बोल सकते। ओके, तो इसीलिए केवल 7 लेक्चर मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो आपको इसमें बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। अब हम लोग एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपका
एक एक आर्टिकल, एक एक शब्द है ना जो उसमें लक्ष्मीकांत ने दिया रखा, वो आपको कवर करूंगा। बहुत ही कम समय में हम उसको कवर कर लेंगे। तो सभी लोग का वीडियो देखिए, कल से आपको जो पार्ट नंबर 8 मिलेगा वो एम लक्ष्मीकांत का होगा, ओके। और हम सारे चैप्टर वन बाई वन क्लियर करेंगे। अब हम लोग देखते हैं, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ, आप चले गए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले गए, ओके, तब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, वो सरकार को निर्देश दे सकती है, ओके, निर्देश देना, गाइडलाइन दे सकती है कि भैया इनके फंडामेंटल राइट्स से इनका उल्लंघन हुआ है, कुछ करो, ओके। या फिर वो आदेश देगी, आदेश देगी तो कई प्रकार के आदेश दे सकती है, और वो रिट भी जारी कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है वो पांच प्रकार की रिट जारी करती है। हम देखते हैं उन रिट्स के बारे में कौन कौन सी पांच हैं और किस मामले में कौन सी जारी की जाती है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए आपको अच्छे से इसको देखना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं रिट के बारे में। रिट है, हमने यहाँ पर बात की थी कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है रिट जारी करने का, और हाई कोर्ट को मैंने बताया था आर्टिकल 226 के तहत। तो पहला रिट है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए पहला रिट है, इसको हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण और इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, ओके। एकदम मन में बिठा लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए हैबियस कॉर्पस है, ये कब जारी किया जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर सभी को एक साथ में इसलिए रखा है जिससे आप एक दूसरे को कंपेयर कर सके। तो आप लोग अगर 144 या फिर 240 पिक्सल में अगर वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो उसको थोड़ा हाई कर लीजिए, 480 में कर लीजिए, आपकी ज्यादा डाटा खत्म नहीं होगा। मेरी वीडियो होती है वो ज्यादा एमबी की नहीं होती है, तो आप लोग एमबी आपकी काफी बचेगी, 1 GB आपको मिलता है, तो केवल आपकी 40 से 45 MB खत्म होगी पूरी वीडियो देखने में। तो आप लोग परेशान नहीं होइए, 480 पिक्सल में आराम से देखिए जिससे एक दूसरे को कंपेयर करेंगे। इसलिए मैंने एक साथ सारी चीजों को लिखा है, इसलिए आप लोग कम उसमें मत देखिए, ओके। तो हम देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण कब जारी किया जाता है। जैसे अब मैं आपको केंद्र बिंदु में आपको रखूंगा, तो ऐसा मत कहिएगा कि सर आपने हमको गिरफ्तार करवा दिया, ओके। अब देखिए आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, अब आपको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने आकर के, अब फिर आपको भैया आपको ये आपको पता है, मैंने आपको बताया था कल या परसों वाली वीडियो में कि जब किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको अपना बचाव करने के लिए कोई भी वकील करने का अधिकार है, ओके। तो आप अपने वकील से कह सकते हैं, भैया हमको गिरफ्तार कर लिया गया, तुम सुप्रीम कोर्ट जाओ, हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। तो आपका जज है वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट को पता चला इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, ओके, तो वो क्या करेगी, वो एक रिट जारी करेगी। कौन सा रिट जारी करेगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करेगी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस जारी करेगी, और आपको आपको न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश देगी, ओके, प्रस्तुत करने का आदेश देगी, ओके। क्योंकि इसका अर्थ ही होता है, हैबियस कॉर्पस का अर्थ होता है प्रस्तुत करना, यहाँ पर मैंने लिख दिया इसका अर्थ होता है। अब आप लोग आपको हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा, इस तरह से आप जाएंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ओके। अब न्यायालय कहेगा, देखेगा, ओके, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो न्यायालय उसे प्रस्तुत करने का आदेश देती है, किसके द्वारा, बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। और फिर वो देखती है कि गिरफ्तारी का तरीका या कारण, दो चीजें देखती है। देखिए मैंने इसीलिए अच्छे से इसको बताया, नंबर एक देखती है तरीका, यानी कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है उसका तरीका तो सही है, क्योंकि गिरफ्तार करने का एक प्रोसेस होता है, वारंट दिखाना होता है। अगर आप महिला को गिरफ्तार कर रहे हैं तो आप लोग रात में नहीं कर सकते हैं, और आपके पास महिला पुरुष होनी चाहिए तभी आप लोग एक महिला को गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर आप किसी महिला को गिरफ्तार कर रहे हैं, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसको आप जेल में नहीं रख सकते। तो ऐसे कुछ तरीके होते हैं, मतलब एक प्रोसेस होता है उसके तहत किसी को गिरफ्तार किया जाता है, ऐसे नहीं किसी को उठा के गिरफ्तार कर लिया जाए, तो ऐसा नहीं किया सकते। तो पहले तो वो तरीका देखेगा, प्रोसेस देखेगी न्यायालय की, भैया जिस प्रोसेस से इसको गिरफ्तार किया गया वो तो ठीक है। दूसरा कारण देखेगी कि किस कारण के आधार पर इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि ऐसी तो नहीं किसी को उठा करके अंदर डाल दिया गया अपनी व्यक्तिगत जो रंजिश है उसको पूरा करने के लिए। तो कारण देखेगी, अगर न्यायालय को लगा कि कारण या तरीका गैर कानूनी या असंतोषजनक है तो उस व्यक्ति को छोड़ने का आदेश देगी। अब आपको देखा जाएगा आपने कोई भी क्राइम नहीं किया, ओके, या फिर आपको गलत गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो न्यायालय आपको छोड़ने का आदेश दे सकती है। तो आप लोग घबराइए मत, अगर कभी पुलिस आपको पकड़ के भी ले चली जाती है, गलत फहमी में भी पकड़ के ले चली जाती है, या फिर अपनी आपसी रंजिश की वजह से गिरफ्तार कर लेती है, तो आपको देखिए आपके फंडामेंटल राइट्स बताऊंगे तो आप घबराएंगे नहीं, ओके। आपको पता है हम एक वकील करेंगे और बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करवा करके अगर हम सही हैं, ओके, तो हम छूट जाएंगे। तो आपके साथ पूरी न्यायालय है, पूरी न्याय व्यवस्था है, आपके साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता है, ओके। ध्यान रखिए,
आपको इसीलिए आपके अधिकार पता होने चाहिए। देखिए रिट है, आपको कितनी सारी चीजें पता चल रही हैं। अब देखिए रिट किसके प्रति जारी की जा सकती है, यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिट है जो सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत के प्रति भी जारी की जा सकती है। ओके, इसको किस किस के प्रति जारी किया जा सकता है, यहाँ पर नोट आप लोग नोट कर लीजिए, कॉपी पेन सामने रखा करिए। जैसे मैंने इस फॉर्म में जैसे सिनॉप्सिस बनाए तो आप भी इस तरह से बना लीजिए, तो आपको क्विक रिविजन करने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसे किसके प्रति जारी किया जा सकता है, एक सार्वजनिक प्राधिकरण मतलब इंस्टीट्यूट होता है, प्राधिकरण का मतलब होता है इंस्टीट्यूट, कोई भी सार्वजनिक मतलब सरकारी प्राधिकरण है उसके प्रति इसको जारी किया जा सकता है, किसको, बंदी प्रत्यक्षीकरण को। साथ ही साथ इसको व्यक्तिगत रूप से भी इसको जारी किया जा सकता है, तो आप लोग समझ गए ना। और एकमात्र ऐसा रेट है जो व्यक्तिगत रूप से जारी किया जा सकता है। ओके, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है व्यक्तिगत रूप से कौन सा जारी किया जा सकता है, हैबियस कॉर्पस एकमात्र ऐसा रेट है जो जारी किया जाता है, कई बार पूछा गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरे रेट के बारे में देखते हैं। ओके, देखिए मैंडमस, इसको हिंदी में कहते हैं परमादेश। इसका अर्थ होता है, जो मैंडमस होता है इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका अर्थ, हम आदेश देते हैं। अब ये आदेश किसको दिया जाएगा, अब इसको भी अच्छे सुनिए। जैसे आपने ये वाली स्टोरी सुनी ना, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो कौन सा जारी किया जाएगा, इसी तरह ये भी अब अच्छे से समझिए, पहले वाले को भूल जाइए अब। ओके, अब दूसरा वाला समझिए, परमादेश कब जारी किया जाएगा, परमादेश रेट है ये न्यायालय कब जारी करेगी, ये जब जारी किया जाएगा जब कोई सार्वजनिक अधिकारी, कौन सा सार्वजनिक मतलब सरकारी अधिकारी होना चाहिए, कोई प्राइवेट नहीं। ओके, सरकारी अधिकारी होगा मतलब पदाधिकारी होगा, वो अपने कानूनी या फिर संवैधानिक दायित्वों का पालन ना करे, मतलब उसको जो काम दिया गया उस काम को वो नहीं कर रहा है जिससे किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो या फिर वो प्रभावित हो रहे हो, तब इस स्थिति में परमादेश जारी किया जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, जैसे कि आप गए, ओके, आपको किसी ने मारा या फिर आपका मोबाइल चुरा लिया या फिर कुछ भी कर लिया, ओके, आप गए रिपोर्ट लिखाने। देखिए कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है लेकिन मैं यहाँ पर रिपोर्ट वाला ले रहा हूँ। एक एक्स व्यक्ति था जिसको जो रिपोर्ट लिखता है थाने में, आप गए, आप इसके पास गए रिपोर्ट लिखाने, ओके, लेकिन इसने आपकी रिपोर्ट लिखी नहीं, आपका फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर उल्लंघन हुआ ना उसका, तो आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाकर के बोलेंगे इस व्यक्ति ने हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी, ओके, हमारे साथ ऐसी घटना हुई और इसने रिपोर्ट नहीं लिखी, तो कोर्ट है वो डायरेक्ट परमादेश जारी करेगी और आपके सामने रिपोर्ट लिखवाएगी और उस व्यक्ति के प्रति भी एक्शन लेगी कि भैया सामने वाले का, आपको काम दिया गया था, आपका काम था ये रिपोर्ट लिखना, आपने क्यों नहीं लिखी। ओके, तो वो कौन सा जारी करेगी, इस वाले को जारी करेगी। इसी तरह एक टीचर है, ओके, टीचर है, उसका काम है पढ़ाना, वो बैठ के एकदम मोबाइल चला रहा है। आजकल के टीचर, सरकारी टीचर ऐसे ही होते हैं मैक्सिमम, ओके, जो इंटर कॉलेज के होते हैं वो तो ऐसे नहीं होते, लेकिन आप छोटे बच्चों को देखेंगे तो वो ऐसे ही करते हैं मैक्सिमम। अब ये नहीं पढ़ाएंगे, ओके, अब जिससे बच्चों के बच्चों देखो जो शिक्षा का अधिकार है वो बच्चों का ऐसा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, और टीचर ये पढ़ा ही नहीं रहा, तो बच्चों का मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, और यहाँ पर कौन सा जारी किया जाएगा, इस टीचर के प्रति परमादेश जारी किया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ना, परमादेश जारी करके इसको हटाया जा सकता है, इस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ओके, आप लोग इसको नोट भी देख लीजिए, भैया जो परमादेश है इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, आदेश किसको देते हैं, जो अपने दायित्व का पालन ना करे और जिससे किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता हो। ओके, और ये किसके प्रति जारी किया जाता है और किसके प्रति नहीं जारी किया जा सकता है, तो ये जो सार्वजनिक अधिकारी होते हैं इनके प्रति ये जारी किया जा सकता है, और जो सार्वजनिक इकाइयां होती हैं इनके प्रति भी इसे जारी किया जा सकता है। ओके, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनके प्रति भी जारी किया जा सकता है। जो अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, जब मैं आपको, जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है और हाई कोर्ट होता है, इनके सामने आप कभी भी अधीनस्थ न्यायालय लिखा हुआ नहीं देखेंगे। ओके, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय होते हैं, इससे नीचे के जो न्यायालय होते हैं ना, इनके सामने आप लोग अधीनस्थ न्यायालय लिखे हुए देखेंगे। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा जब मैं आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़ा रहा हूँ, ओके, तब मैं बहुत अच्छे से इसको बताऊंगा, और क्यों नहीं लिखा हुआ होता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सामने, और ये किस तरह के हाई कोर्ट होते हैं, वो किस तरह के न्यायालय होते हैं, ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। और जो परमादेश रिट है ना, ये किसके प्रति नहीं जारी किया जा सकता, ये जानना भी हमको बहुत जरूरी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको जानना, कि एक निजी व्यक्ति होता है उसके प्रति परमादेश को जारी नहीं किया जा सकता, और निजी इकाई होगी मतलब प्राइवेट इकाई है उसके प्रति मैंडमस को जारी नहीं किया जा सकता। जैसे मैं निजी व्यक्ति हूँ, ओके, मैं कोई सरकारी व्यक्ति थोड़ी ना हूँ। अब मैंने एक क्लब की स्थापना की, ये क्या, एक क्लब भी एक इकाई है ना,
अब क्लब की इकाई है और मैं किसी को ना पढ़ाऊं, मैं मानता हूं मैं आपको वीडियो देना बंद कर दिया, अब आप गए सुप्रीम कोर्ट, बोले वो जो आरजी सर हैं वो पढ़ाना ही बंद कर दिए, आप परमादेश जारी करिए, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी अरे भाई आपने बोले कि आरजी सर ने हमको पढ़ाया था कि अगर हमको नहीं पढ़ाएंगे और शिक्षा का हमारा अधिकार है, अगर ऐसा नहीं होता है तो आप एक रिट जारी करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी आपने आगे का नहीं पढ़ा जो आरजी सर ने पढ़ाया था कि निजी व्यक्ति या निजी इकाई होगा उसके प्रति हम परमादेश जारी नहीं कर सकते, अगर सरकारी टीचर है उसके प्रति जारी कर सकते हैं। ओके, तो आपको अच्छे से इस चीज को समझना होगा। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निषेध आदेश, जिसको प्रोहिबिटेशन बोलते हैं। अब ए रिट कब जारी किया जाता है? ए रिट जारी किया जाता है जब निचली अदालतें, कौन सी अदालतें? निचली अदालतें अपने क्षेत्र अधिकार का अतिक्रमण करके मुकदमे की सुनवाई करें, मतलब ऐसे मुकदमे की सुनवाई करें, ऐसे मामले की सुनवाई करें जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, अपने अधिकार क्षेत्र से ऊपर उठ करके सुनवाई करती हैं, तब जो हायर कोर्ट होती है वो इस रिट को जारी करती है, निषेध आदेश को जारी करती है, और इसके द्वारा वो जो मामला होता है उसको ट्रांसफर कर देती है, या फिर हायर कोर्ट को ट्रांसफर कर देगी या फिर हायर ऑफिसर को ट्रांसफर कर देगी। देखिए अब इसको भी मैं एक स्टोरी के फॉर्म में आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक कोर्ट है, एक्स कोर्ट है, ओके, या फिर एक्स ऑफिसर है कोई, ओके, एक्स ऑफिसर मत समझ लीजिए कि रिटायर्ड ऑफिसर, ओके, एक्स का मतलब एक्स व्यक्ति है जो कोई एक ऑफिसर है, ये किसी मामले पे सुनवाई कर रहा है, मानते हैं कोई व्यक्ति है उस पर किसी चीज पर रिपोर्ट देनी है, वो देखता है और उसने रिपोर्ट दी, लेकिन वो अपने क्षेत्र से बाहर होकर के बहुत बड़े बड़े, जैसे कि उसने किसी को सजा सुना दी, कोई व्यक्ति है उसने कह दिया कि इस व्यक्ति को 1 साल के लिए जेल में डाल दो, जेल में डालने का काम, सजा सुनाने का काम न्यायालय का है, किसी सार्वजनिक व्यक्ति सार्वजनिक अधिकारी का नहीं है ना, उसका काम है सिर्फ निरीक्षण करना और रिपोर्ट ला करके न्यायालय को देना, ये उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है ना, तो जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को पता चलेगा या फिर जब कोई बताएगा उसे तो वो क्या जारी करेगी, वो निषेध आदेश जारी करेगी, इस रिट को जारी करके इस मामले को एक हायर रैंक का जो ऑफिसर होगा उससे ट्रांसफर कर देगी, या फिर हायर से अदालत होगी उसके पास ट्रांसफर कर सकती है, या फिर अपने पास भी मंगा सकती है। ओके, तो आप लोग समझ गए ना। अब देखिए इसका मतलब होता है, देखिए जो निषेध आदेश होता है इसका मतलब होता है रोकना, मतलब जब कोई भी मामला चल रहा होता है तो उस समय इसको जारी किया जाता है, मामला चल रहा होता है मतलब ड्यूरिंग का समय होता है तभी इसको जारी किया जा सकता है। ओके, ऐसा मामला समाप्त हो जाए तब इसको जारी नहीं किया जा सकता। और ये किसके लिए जारी किया जा सकता है? जो न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकाय है ना उनके प्रति इसको जारी किया जाता है। अर्ध न्यायिक निकाय किसे कहते हैं ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा जब मैं आपको अधीनस्थ न्यायालय समझा रहा हूँ। ओके, न्यायिक निकाय क्या होते हैं, अर्ध न्यायिक निकाय क्या होते हैं, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अधिकार प्रेक्षा की, क्यू वारंटो की बात करते हैं। क्यू वारंटो कब जारी किया जाता है और किस लिए जारी किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो अधिकार प्रेक्षा है ये तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो जाए, ओके, जिस पर उसे कानूनी हक ही ना हो, जैसे कोई व्यक्ति टीचर बनिया मानते हैं और टीचर बनने के लिए आपको पता है कि बीएड होना चाहिए, फिर उसके बाद टीईटी होना चाहिए, फिर उसकी जब मेरिट आएगी तब लगेगा, तो मानते हैं एक व्यक्ति वो टीईटी क्रॉस ही नहीं है, ओके, लेकिन उसने पैसा दे करके घूस दे करके वो इस पद पर आ गया, तब कोई भी व्यक्ति जा सकता है या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने आप भी एक्शन ले सकती है और वो अधिकार परीक्षा जारी करके इसको हटा सकती है, या फिर ये व्यक्ति है खुद भी इसको जारी करवा सकता है। एकमात्र एक ऐसी रिट है अधिकार परीक्षा, ये रिट वो व्यक्ति भी जारी करवा सकता है जो इससे प्रभावित हो, तो आप लोग समझ गए ना। और देखिए इसका मतलब होता है वारंट के द्वारा, वारंट के द्वारा क्यू वारंटो का अर्थ होता है यहाँ पर मैंने अर्थ लिखा है, इसका मतलब ये होता है, तो आप लोग समझ गए। अब मैं आपको बताता हूँ उत्प्रेक्षण रिट के बारे में। देखिए इसको पोस्टमार्टम रिट भी बोलते हैं, अब इसको पोस्टमार्टम रिट क्यों बोलते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। जो देखिए ये वाला तीसरा वाला रिट है और ये पांचवा वाला रिट है, ये दोनों सेम है, इनमें कोई भी अंतर नहीं है, सिर्फ इतना ही अंतर है कि जब मामला चल रहा होता है, जब ड्यूरिंग का समय होता है तब जारी किया जाता है निषेध आदेश, ओके, निषेध आदेश जारी किया जाता है, लेकिन अगर ऐसा हो कि मामला सुना दे कोई व्यक्ति, ओके, मतलब मामला खत्म हो गया हो, उसकी सुनवाई हो चुकी है, तब ए वाला जारी नहीं किया जाता है, ओके, तब निषेध आदेश जारी नहीं किया जाएगा, तब कौन सा जारी किया जाएगा, उत्प्रेक्षण रिट जारी किया जाएगा, यानी कि मामला जब समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है वो मामला, उस पर सुनवाई हो चुकी होती है तब इसे जारी किया जाता है, इसीलिए इसे पोस्टमार्टम रिट बोलते हैं। तो पांचवा है पोस्टमार्टम रिट किसे बोलते हैं, आप इसे अगर पीसीएस और
सॉरी यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस में देखेंगे ना, ये दसियों बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, और 2019 में भी आया था कि पोस्टमार्टम रेट किसे बोलते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, उत्प्रेक्षण रेट रेट है, इसी को पोस्टमार्टम रेट बोलते हैं। ओके, अब देखिए ये भी सेम ऐसा ही होता है, जब कोई व्यक्ति या फिर सार्वजनिक अधिकारी होते हैं वो बिना अधिकार के काम करे या फिर अपने क्षेत्र अधिकार का अतिक्रमण करे, तो न्यायालय होती है इसके सामने जो भी विचाराधीन मामला होगा उसको ट्रांसफर कर देती है। किसको ट्रांसफर करती है? हायर कोर्ट को कर देगी या फिर हायर रैंक का जो ऑफिसर होगा उसको कर देगी। सिंपल है काफी। और इसका देखिए अर्थ होता है प्रमाणित होना, यानी कि प्रमाणित हो चुका है तभी तो इसको जारी किया गया, इसीलिए इसको पोस्टमार्टम रेट भी बोलते हैं। लेकिन इसको किस किस के प्रति जारी किया जाता है? देखिए जिस तरह इसमें ये न्यायिक और अर्ध न्यायिक के प्रति इसको जारी किया जाता है, इसको भी न्यायिक और अर्ध न्यायिक के लिए ही जारी किया जाता था, लेकिन 1991 से एक इसमें और जोड़ दिया गया, न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकाय है ना उनके प्रति जो उत्प्रेक्षण रेट है ना इसको जारी किया जा सकता है, लेकिन एक और है प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति भी इसको जारी किया जा सकता है 1991 के बाद में, यानी कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है ना उसके प्रति भी इस रेट को जारी किया जा सकता है। आप लोग समझ गए ना? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहले एक बार मैं इसका क्विक रिविजन करा दूं जिससे आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। ओके, देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ये कोर्ट कब जारी करेगी? जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए और वो उसको प्रस्तुत करने का आदेश देगी और देखेगी कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसका तरीका और कारण है वो संतोषजनक है ना, अगर संतोषजनक या गैर कानूनी है तो उसे छोड़ने का आदेश दे देगी। ओके, और इसका मतलब होता है प्रस्तुत करना। और ये व्यक्तिगत एकमात्र ऐसा रेट है जो व्यक्तिगत रूप से भी जारी किया जा सकता है, और ये सार्वजनिक प्राधिकरण है उनके प्रति भी जारी किया जा सकता है। मैंडवस की बात करते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं परमादेश, का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ओके, ये कब जारी किया जाता है? जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी होता है, कोई भी ऑफिसर होता है, कोई भी व्यक्ति होता है। ओके, लेकिन वो कैसा हो? सार्वजनिक क्षेत्र का हो। ओके, और वो अपने कानूनी या संवैधानिक दायित्वों का पालन ना करे, संवैधानिक दायित्वों का पालन ना करे और जिससे किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट प्रभावित होते हों या फिर उल्लंघन होता हो, तब इसको जारी किया जाएगा और उस व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, और जो भी व्यक्ति प्रभावित होगा उसके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको क्लियर किया जाएगा। ओके, इसी तरह निश्चित आदेश होता है, इसको प्रोहिबिटेशन बोलते हैं। ओके, ये कब जारी किया जाता है? जब निचली अदालतें या फिर यहाँ पर अधिकारी भी हो सकते हैं ये अपने क्षेत्र अधिकार का अतिक्रमण करें, अतिक्रमण करके मुकदमे की सुनवाई करें, तब इसको जारी किया जाता है। और इसके द्वारा जो मुकदमा इनके सामने विचाराधीन होता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है हायर कोर्ट के सामने कर दिया जाता है, या फिर हायर रैंक का जो ऑफिसर होता है उसके सामने इस मामले को ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ये किसके प्रति जारी किया जाता है? न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं उनके प्रति से जारी किया जा सकता है। हम यहाँ पर बात करते हैं अधिकार परीक्षा की। ओके, क्यू वारंट है वो? क्यू वारंट होता है ये जब कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो जाए जिस पर उसे कानूनी हक ना हो। ओके, जब कानूनी हक नहीं है तो भैया उसको इसके प्रति हटा दिया जाता है, ये रेट तब कोर्ट जारी करती है। इसी तरह उत्प्रेक्षण रेट है, इसको मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको पोस्टमार्टम रेट भी बोलते हैं। जब कोई अदालत ओके या फिर गवर्नमेंट अधिकारी इसको जारी करे, वो सॉरी अपने अपने अधिकार के बिना या फिर अपने क्षेत्र अधिकार का अतिक्रमण करके किसी मामले की सुनवाई करें, तब न्यायालय इसके समक्ष विचाराधीन मामले होते हैं उसको ट्रांसफर कर देती है। ट्रांसफर किसको करती है? हायर कोर्ट या फिर हायर रैंक के ऑफिसर होते हैं उनको ट्रांसफर कर देती है। और 1991 से आप लोग देख सकते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं कि उनके प्रति भी उत्प्रेक्षण रेट को जारी किया जा सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ह्यूमन राइट कमीशन की, तो पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखिए ह्यूमन राइट कमीशन है, 2000 में इसका गठन किया गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इसमें चार लोग होते हैं। अब भी चार लोग कौन कौन होते हैं तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको जानना चाहिए। इसमें एक फॉर्मर चीफ जस्टिस होते हैं, मतलब मुख्य न्यायाधीश होते हैं, कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के। तो एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। ओके, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस, फॉर्मर का मतलब होता है जो रिटायर हो चुके हैं, तो एक ये होंगे, और एक होंगे हाई कोर्ट के। इसी तरह फॉर्मर चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के। ओके, जो हाई कोर्ट होगा यहाँ के भी एक चीफ जस्टिस होंगे। कौन से फॉर्मर होता है? जो रिटायर हो चुके होंगे। दो अन्य मेंबर होंगे, दो अन्य मेंबर कौन होंगे? जिनको नॉलेज हो। ओके, जो मानव अधिकारों से संबंधित जो होती है उसमें नॉलेज हो, या फिर उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, मानव अधिकारों के प्रति अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो उन दो व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जा सकता है।
ये चार लोग मिलकर एक कमीशन का गठन करते हैं। इसी कमीशन को बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसका काम होता है, इसका काम जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका काम होता है अगर कहीं भी मानव अधिकारों का उल्लंघन होता हो तो ये कमीशन जाकर के उस पर रिपोर्ट दे सकता है, उसकी समीक्षा कर सकता है और जाकर के उसका सर्वेक्षण कर सकता है, जिससे मानव अधिकारों का संरक्षण हो सके। तो आप लोग बीच बीच में न्यूज में देखते रहते होंगे कि ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, अगर कोई किसी के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, किसी समुदाय का शोषण हो रहा है, तो आपने देखा होगा कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वहां पर जाकर के उसका सर्वेक्षण करता रहता है। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अभी हमारा चैनल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको देखिए सारी वीडियोस आपको मिलती है। मैं आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि डेली आपको 11 बजे सुबह 11 बजे आपको एक इकोनॉमिक्स का लेक्चर मिलता है, आप लोग इसको देख सकते हैं हमारे चैनल पर, ओके। और इसी तरह 4 बजे शाम को डेली आपको एक पॉलिटी का लेक्चर मिलता है। आपको जल्दी ही एक लेक्चर मिलेगा ज्योग्राफी का, इसका टाइम अभी डिसाइड नहीं है। जैसे आप लोग बता देते हैं कि किस टाइम को मैं वीडियो अपलोड करूं, मैं आपको वीडियो अपलोड करा दूंगा, ओके। अब ये सीरीज है ना, जैसे मैं आपको इकोनॉमिक्स पॉलिटी इसी तरह से पढ़ाता हूँ, इसी तरह पूरा का पूरा ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, ओके। और साथ में मैंने आपसे कहा था कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, तो ये भी मैं आपको जल्दी ही बता दूंगा। आज का जो न्यूज़पेपर है इसी पर मैं वीडियो बना दूंगा कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है। मतलब न्यूज़पेपर है वो, देखिए न्यूज़पेपर बनाया गया है वो आप लोगों के लिए नहीं बनाया गया कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर पीसीएस की तैयारी करते हैं, आप लोगों के लिए न्यूज़पेपर नहीं बनाया गया। न्यूज़पेपर बनाया गया जो आम लोग हैं इन लोगों के लिए बनाया गया। तो आप लोग कैसे पढ़ेंगे, कौन सी न्यूज आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, कौन कौन से आपको फैक्ट पढ़ने होते हैं, कौन से पेज नहीं पढ़ने होते हैं, वो सभी मैं आपको बताऊंगा। साथ में नोट्स कैसे बनाने, कितना टाइम देना है न्यूज़पेपर पर, और न्यूज़पेपर से क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं, ओके, इन सभी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। तो कल वीडियो आपको मिल जाएगी, आज के न्यूज़पेपर पे ही मैं आपको वीडियो बना दूंगा। और आज का न्यूज़पेपर आपको पूरा पढ़ना है और देखना है, बनाने की कोशिश करना है, जिससे आप लोग कंपेयर कर पाएंगे कि मैंने किन चीजों पर फोकस किया था और किन चीजों पर मुझे करना चाहिए। तो दैनिक जागरण पे आपको मैं बना के दे दूंगा, और 4-5 न्यूज़पेपर पे बना के दे दूंगा एक एक 2 दिन के बाद आपको। तो जिससे क्या होगा, आप लोग उसका देखेंगे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा आपको, तो अच्छे से आप लोग नोट्स बनाने लगेंगे, तो ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी जल्दी, ओके। और आपको मैपिंग टास्क पर संडे को एक वीडियो मिला करेगी, तो पूरा मैपिंग मैं उस पर कवर करूंगा और साथ में बताया करूंगा, ओके। तो हमारा चैनल है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे पता चल पाए, और आप लोगों के लिए टास्क मिलता है तो आप लोग उसे ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम एक ऐप है व्हाट्सएप की तरह, जहां आपको उसको इंस्टॉल करना है, जैसे व्हाट्सएप इंस्टॉल किया जाता है सेम उसी तरह से इंस्टॉल होता है, ओके। इंस्टॉल करने के बाद आपको ऊपर एक सर्च सर्च का बॉक्स इस तरह से दिखेगा, वहां पर जाइए, लिखिए क्लब आईएएस असिस्टेंट, जैसे लिखेंगे आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। फिर आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर 2 चैनल के मेरे लिंक मिलेंगे, दोनों पे ज्वाइन हो जाइए। तो एक पे मैं टास्क सेंड करता हूँ, डिस्कशन करता हूँ, नोट्स मिलते हैं, और एक पे क्विज चलती है, और थोड़ा स्टडी मटेरियल मैं आपको सेंड करता हूँ, ओके। तो आप लोग तीनों चैनल से मेरे ज्वाइन हो जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। देखिए मैं आपको पढ़ाता हूँ तो एकदम स्टोरी के फॉर्म में पढ़ाता हूँ, तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आने वाला। चैनल थोड़ा नया है तो इसलिए थोड़ा सपोर्ट करना आपका बनता है, ओके, क्योंकि मेरे जो चैनल है इस पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं आता है, तो ट्रैफिक आप लोगों की वजह से ही आएगा अगर आप लोग इसमें थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ। अगर आप लोग इकोनॉमिक्स वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं इकोनॉमिक्स बाय आरजी सर, तो मेरी इकोनॉमिक्स की आपको सीरीज मिल जाएगी, ओके।